और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण प्रभुदेसाई, ट्रैकिंग टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है सभी ने ठीक तरह से देखना चाहिए क्योंकि मैं आपकी जिंदगी स्मार्टफोन के साथ बहुत सिंपल करने वाला हूं। जी हां, हम सभी लोग SMS ऐप इस्तेमाल करते हैं जो डिफॉल्ट होता है वो 99% लोग, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा जबरदस्त SMS रिप्लेसमेंट ऐप जो एक बार आप यूज करने लग जाएंगे तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो जो है प्रॉपरली एंड तक देखते रहिए। दोस्तों ऐसे और वीडियोस मिलने के लिए और ट्रैकिंग टेक फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों इस वीडियो का हमारे फीचर कमेंटर है वेदांत नाइक। दोस्तों सबसे पहले कह दूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का होने की वजह से सेफ है, सिक्योर भी है। दोस्तों जब आप डिफॉल्ट SMS ऐप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कोई मैसेज को ढूंढना, क्योंकि वो स्प्लिट या फिर ऑर्गेनाइज नहीं करता है आपके ट्रांजैक्शनल मैसेजेस, आपके पर्सनल मैसेजेस, आपके स्पैम या फिर मार्केटिंग मैसेजेस, सब एक ही साथ आते हैं और एक ही इनबॉक्स में जमा होते हैं। लेकिन अगर आप SMS ऑर्गेनाइजर, माइक्रोसॉफ्ट SMS ऑर्गेनाइजर ये आप इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपरली वो सेग्रीगेट करता है आपके पर्सनल मैसेजेस, आपके ट्रांजैक्शनल मैसेजेस, आपको ये भी दिखाता है कि भाई मार्केटिंग या फिर प्रमोशनल मैसेजेस कौन से हैं और आप इनको स्पैम ब्लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों SMS ऑर्गेनाइजर का सबसे फेवरेट फीचर मेरा है OTP का। दोस्तों हर रोज 1, 2 या 3 OTP तो आते हैं। आप e-commerce में जाइए, बैंक में जाइए, किधर लॉगिन करना है जाइए, आपको OTP आता रहता है और आपको फिर वो डालना पड़ता है किसी ऐप में, किसी वेबसाइट के ऊपर। सबसे बुरी बात ये होती है कि आपको स्विच करो, SMS के ऊपर जाओ, नोटिफिकेशन पे जाओ, ओपन करो, फिर बाद में पढ़ो, याद रखो, वापिस आ जाओ, उसके बाद में आपको फिर वो OTP डालना पड़ता है। SMS ऑर्गेनाइजर जैसे ही कोई OTP आता है सीधा ऊपर ब्लू बैंड में बड़ा सा दिखा देता है और कहता है कॉपी, आप कॉपी कीजिए, आपको वो जो एग्जिस्टिंग जिस ऐप के ऊपर जिसमें आपको OTP डालना है उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉपी करके डाल दीजिए, डन। मुझे ये सबसे ज्यादा यूजफुल लगा क्योंकि पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होता था जब OTP आता तो उसे ढूंढो, कॉपी करो और बाकी सब। दूसरी बात दोस्तों, समझिए आपका फ्लाइट है, उसके SMS आपको आते हैं, आपने ट्रेन बुकिंग किया है, उसके SMS आते हैं, तो SMS ऑर्गेनाइजर ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करता है कि भाई ये ट्रेन अब छूटने वाली है, ये लेट हो गई है, ऐसे है, आपको चेक इन करना है। आप सिर्फ टच कीजिए, सीधा आप चेक इन के वेबसाइट पे जाएंगे और आप चेक इन कर पाएंगे। उसके साथ में आपके जो ट्रांजैक्शनल मैसेजेस होंगे बैंक के, तो वो देखेगा कि भाई कौन से बैंक के हैं और आपको एक्चुअली बताएगा प्रॉपरली एक अच्छे फॉर्मेट में कि भाई ये ट्रांजैक्शंस हो गए हैं, ये बैंक का ये बैलेंस है। मतलब ये ऑटोमेटिकली AI की वजह से रीड करता है आपके SMS और आपको अच्छे फॉर्मेट में दिखाता है ताकि आपको सब समझ में आ जाए। आपने आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर समझिए 10 खर्चे किए तो वो प्रॉपरली एक ही स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा देगा कि भाई इस अकाउंट से, इस क्रेडिट कार्ड से ये सब ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो बहुत सिंपल हो जाता है। आपके जो भी बिल्स होंगे दोस्तों, समझिए आपका टेलीफोन बिल भरना है तो उसका भी रिमाइंडर देगा, उसको आपका अमाउंट बताएगा और आप जब क्लिक करेंगे तो जिधर से भी आपको पे करना है वो बिल सीधा उस वेबसाइट पे चल जाएगा। तो ये सब ऐसे छोटी छोटी इतने सारे फायदे हैं कि उन्होंने SMS ऐप को बहुत ज्यादा स्मार्ट कर दिया है। दोस्तों ये SMS ऑर्गेनाइजर ऐप जो है इसे आप पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको लाइट थीम चाहिए तो लाइट थीम कर सकते हैं, डार्क थीम चाहिए तो डार्क थीम कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसका मतलब आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज जो होगा वो आने के बाद एक अलग रिंगटोन चाहिए तो आप सेट कर पाएंगे। अगर आपको एक स्पेसिफिक स्पैम मैसेज को ब्लॉक करना है, आपको नहीं आना चाहिए, तो वो आप कर पाएंगे। अगर कोई मैसेज एक इंपॉर्टेंट है तो आप उसको फेवरेट या फिर स्टार कर पाएंगे तो वो जो स्टार्ड मैसेजेस होंगे वो एक जगह पे साथ में आपको दिखेंगे। इसका मतलब सब इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगे। साथ में दोस्तों अगर कोई आपको SMS आता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, अभी आपको उसके ऊपर क्लिक करो, उसके बाद में डिफॉल्ट SMS ऐप के अंदर जाओ, फिर रिप्लाई करो, ऐसे SMS ऑर्गेनाइजर में करने की जरूरत नहीं है। आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे उधर से ही आप डायरेक्टली रिप्लाई कर पाएंगे, आपको SMS ऑर्गेनाइजर ऐप के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तो मेन होम स्क्रीन से ही आप रिप्लाई कर पाओगे। और दोस्तों एक सबसे अच्छा इसका फीचर है स्मार्ट बैकअप। इसका मतलब समझिए आपका फोन फॉर्मेट हो गया, गुम गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका SMS गुम जाएगा। जी हाँ, स्मार्ट ऑर्गेनाइजर ऐप स्टोर करके बैकअप करके रखता है। आप जब भी नए फोन पे शिफ्ट हो जाते हो तो सब
पिछले एसएमएसेस हैं वो सब आपको मिलेंगे, चाहे वो ट्रांजैक्शनल हो, इंपॉर्टेंट हो, स्टार्ड हो, फेवरेट मैसेजेस हो, सभी आपको बैकअप की वजह से मिल जाएंगे। और दोस्तों जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि भाई ये सेफ और सिक्योर है क्योंकि आता है माइक्रोसॉफ्ट से, तो आपको प्राइवेसी के बारे में या फिर आपका डेटा इधर उधर जाने के बारे में कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों जैसे मैंने कहा इस ऐप की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर डाउनलोड कीजिए और इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार आपने ये इंस्टॉल कर लिया और यूज कर लिया तो डेफिनेटली आप डिफॉल्ट एसएमएस ऐप के पास देखोगे भी नहीं। दोस्तों जरूर बताइएगा आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का एसएमएस ऑर्गेनाइजर ऐप कैसे लगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।